हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, पूरी कंट्री लॉकडाउन हो चुकी है, सारा आवागमन बंद हो गया है। बसेस, रेल, एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी बंद हो गई हैं। जिनके बच्चे बाहर थे वो सब घरों में आ गए हैं, और हमारी फैमिली पूरी एक ज़माने के बाद सब एक साथ हम लोग हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हम लोग क्या करें इस क्राइसिस के समय? सब लोग घर में हैं, इस समय हम लोग अपना घर में टाइम कैसे व्यतीत करें? इस समय जो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, इससे हम अपने मन को कैसे शांत करें, डिप्रेशन का शिकार ना होएं? इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके सामने अपना वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि घर में आप लोग क्या क्या करें जिससे अब आप लोग अपने इस क्राइसिस के टाइम पर इस डिप्रेशन के शिकार से बचें। ठीक है दोस्तों, अब जो लोग जिनके बच्चे घरों में नहीं आ पाए हैं, जो इंटरनेशनल स्टेट कंट्री में या किसी बाहर के हॉस्टल में अकेले रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उन बच्चों से रेगुलर आप टच पे रहें और उनको ये निर्देश देते रहें कि बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग बाहर नहीं निकलो और अपने आप को बचा के रखो। प्रिकॉशंस और सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो मैं डिस्कस मेरा जो बनाने का वीडियो का मकसद है कि अब आप अपने आप को चेयर अप करिए। घर में आप बैठे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे, हर समय आप व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में कोरोना वायरस की खबर देखते रहेंगे, तो इससे हो क्या रहा है कि अक्सर मेरे साथ होता है कि दिमाग बिल्कुल घूमने लगता है और फिर मूड ख़राब होता है। आदमी थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख देता है, आँख बंद करके लेट जाता है, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि आदत इतनी पड़ चुकी है फ़ोन की, कि फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन पर हट जाता है और आदमी उठा के फ़ोन में लग जाता है। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट इस समय ये है कि जब आपकी फैमिली पूरी समय इकट्ठा है, तो अपने आप फैमिली के साथ टाइम व्यतीत कीजिए। मोबाइल के ऊपर ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए आप लोग अपने टीवी के ऊपर मूवीज़ को डाउनलोड कर लें, उसको देखें। घर में कैरम है, लूडो है, इवन जो चिड़िया और तोता और जो हम लोग घर में खेला करते थे एक ज़माने में, वो आप बैठ के खेलिए और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत कीजिए। और जिनको कुकिंग का शौक़ है, वो अपने माँ बाप के साथ लग के कुकिंग सीखें जो बच्चे घर से आए हैं। जिन लोगों को ड्राइंग का शौक़ है, जिन लोगों को पेंटिंग का शौक़ है, वो लोग पेंटिंग करें। जो लोग लिखने का शौक़ है, जो कविताएं लिखते हैं, जो लेखन लिखते हैं, वो लोग अपनी राइटिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव करें। जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपने हिसाब से रोज़ वीडियो बना के लोगों को अवेयर करते रहें, खुश करते रहें। इस समय मैं समझता हूँ कि जब ऑलरेडी इतना ज्ञान बढ़ चुका है यूट्यूब के ऊपर, कोरोना वायरस के लिए अवेयरनेस की अब कोई कमी नहीं है लोगों में, सब लोग अपने अपने घरों में बैठ चुके हैं, तो इस समय हम समझते हैं कि ये समय ज़िंदगी में पहली बार लोगों के आया है, और हो सकता है आने वाली जनरेशन, हम लोग की कई जनरेशन्स में ये दोबारा मौका ना, यही मेरी दुआ भी रहेगी कि अब दोबारा हम लोग को भगवान या अल्लाह इस तरह के मौके दोबारा ना दे कि पूरा देश लॉकडाउन हो जाए और हम सब एक साथ बैठें। तो हम लोग जो इस समय एक साथ बैठे हुए हैं, इस वक्त को हम लोग अपने अच्छे से इंजॉय करें और रिलैक्स करें। इस समय बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ अपडेट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैं हॉस्पिटल के ओपीडी के प्रीमिसेस से बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ओपीडी क्लोज़ की हुई है। वी आर ऑलरेडी ओनली प्रोवाइडिंग द एसेंशियल सर्विसेज। जो बच्चे मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम लोग उनको सर्विसेज दे रहे हैं, और जो ओपीडीज में तो नहीं बल्कि जो इमरजेंसीज आ रही हैं उनको हम लोग कुछ को तो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन पे उनके जवाब सवालों का जवाब दे दें, और जो सीरियस अगर बच्चा को खुदा न खास्ता आता है तो उसको हम लोग अस्पतालों में एडमिट कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सर्विसेज तो हम लोग दे रहे हैं, बट ओपीडी सेवाएं हम लोगों ने 31 मार्च तक, जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम लोगों ने बंद की हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग रिलैक्स रहिए, इस समय को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कीजिए। और जो एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उन तक पहुँचिए। अगर आप उन तक जा सकते हैं तो उनको खाने की, उनका खाना पहुँचवाइए। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सड़क पर जो गाय टहल रही हैं, क्योंकि इनका खाना ज़्यादातर यूजुअली जो होटल खुलते थे उनसे होता था, गायों को यूजुअली होटल वाले रोटियां आटा वगैरह खिलाया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सामान आप लोग जब घर में खाना पकाएं, जो बच जाता है वो अलग है, बट कुछ 4 रोटी 10 रोटी 20 रोटी अगर आपके पास एक्स्ट्रा राशन है, तो कुछ इन जानवरों के लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए दाना भी ज़रूर रखें। इससे आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा, क्योंकि ये देखिए आपदा इंसान के लिए है, बट इसमें सफ़र हर इंसान कर रहा है, हर जानवर कर रहा है, हर प्राणी कर रहा है। तो दोस्तों, इस समय मैं समझता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पूरी लॉकडाउन की स्थिति है, होटल रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, तो
तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई, या किसी को भेज के पूछ सकते हैं कि अगर उनके घर में खाने की दिक्कतें हैं तो आप लोग उनको खाना सप्लाई कर सकते हैं। और ये समय ऐसा है कि आप लोग अपने जितने भी जानने वाले हैं अपनी फ़ोन लिस्ट उठा लीजिए, सबको बात करिए, फ़ोन करके उनके हालचाल लीजिए और एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे कनेक्टेड रहिए। बट बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, समय है, आया है, गुजर जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसकी मॉर्टेलिटी 3 से 4% है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को होता भी है तो 100 में से कुछ 3 या 4 लोग, दुर्भाग्य लोग ऐसे होंगे जिनकी जान जाएगी। ज़्यादातर लोगों की इसमें जान नहीं जाएगी। माइल्ड से मॉडरेट बीमारी के तौर पर आप सब इसमें से अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और रिलैक्स कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और टीवी डिबेट्स और ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिसमें COVID-19 की इतनी जानकारी दी जा रही है, मैं समझता हूँ इसको अगर आप इससे दूर रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप डिप्रेशन के शिकार होने से बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का मेरा मैसेज है। खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। ये मौका आपको हो सकता है दोबारा जल्दी ना मिले, इसलिए मेरी दुआ है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि भगवान अल्लाह सबको महफूज रखे, सबको सेफ रखे और सबको हेल्दी रखे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने संबंधियों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।